सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, लेकिन बिना वजह के खुश रहने का मजा ही कुछ और है। इसलिए हमेशा खुश रहो। सूरज निकलने का वक्त हो गया है, फूल खिलने का वक्त हो गया है, मीठे नींद से जागो मेरे दोस्त, क्योंकि सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त हो गया है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। आज का पंचांग 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात्रि 12:22 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र रात्रि 8:10 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:34 से 5:03 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर दोपहर 1:36 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर ही रहेंगे। मिथुन राशि 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार, आप एक आशावादी व्यक्ति हैं और आज यह बात आपको जानने देने और इससे लाभ उठाने का दिन है। इससे आपकी छवि एक प्रेरणात्मक वक्ता की बनेगी, जिसकी कोशिश आप लंबे समय से करते आ रही हैं। समाज में आपके संबंध जिन लोगों के साथ बहुत अच्छे नहीं हैं, उनके साथ भी आपके संबंधों में आप सुधार आना शुरू हो जाएगा। यह समय आपके लिए सौभाग्य से भरा है। पदोन्नति या वेतन में वृद्धि से आपका मूड अच्छा हो सकता है। अपने नए और पुराने दोस्तों की कंपनी का मजा लें। सावधानी से यात्रा करें और प्रियजनों को नजरअंदाज न करें। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को आपके समय और ध्यान की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी कला और तकनीक को आप सीखना चाहते हैं। जिस भी कला और तकनीक को आप सीखना चाहते हैं, उसे लक्ष्य बनाना आपको पूर्णता प्रदान करेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी, बस इसे अपने खुद पर हावी न होने दें। सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। आज मुमकिन है कि आपको धन से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। अपने सूझबूझ से आप हानि को भी नुकसान में बदल सकती हैं। आपकी भरपूर ऊर्जा और जबरदस्त उत्साह सकारात्मक परिणाम लाएंगी एवं घरेलू तनाव दूर करने में मददगार रहेंगी। काम के दबाव के चलते मानसिक उथल पुथल और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिन के उत्तरार्ध में ज्यादा तनाव न लें और आराम करें। इस राशि के जातक आज लोगों से मिलने से ज्यादा अकेले में वक्त बिताना पसंद करेंगे। आज आपका खाली समय घर की सफाई में बीत सकता है। वैवाहिक जीवन में चीजें हाथ से निकलती हुई मालूम होगी। स्वयं सेवीकरण कार्य या किसी की मदद करना आपकी मानसिक शांति के लिए अच्छे टॉनिक का काम कर सकता है। कोई नजदीकी अथवा दूरदराज यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है जो कि मददगार रहेगा। आपका हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करना तथा अपने कार्यों के प्रति समर्पित भाव आपको सफलता प्रदान करेगा। युवाओं की रुचि सामाजिक अथवा आध्यात्मिक कार्यों में भी बढ़ेगी। पैसों के कारण अपने निर्णय को आगे बढ़ाना आपके लिए कठिन रहेगा। आपको फिलहाल अपने निर्णय क्षमता पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे जैसे आप निर्णय लेंगे वैसे ही परिस्थिति में बदलाव नजर आएगा। पैसों से संबंधित निर्भरता जल्दी ही दूर हो सकती है। परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। काम संबंधित यात्रा सफल होगी। यदि यात्रा का मौका मिल रहा है तो इसे स्वीकार करें। पुराने रिलेशनशिप के बारे में विचार छोड़कर नए रिलेशनशिप पर ध्यान देना होगा। आगे के निर्णय लेना आपके लिए आसान बनेगा। बदन दर्द की परेशानी बढ़ने की संभावना है, डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। सावधानियां। स्वार्थी और आत्म केंद्रित होने से करीबी लोग नाराज हो सकते हैं। वसीयत संबंधित मामले उठ सकते हैं। बहुत धैर्य और संयम से काम लेने की जरूरत है। थोड़ा वक्त आध्यात्मिक और धार्मिक कामों में बिताएं।
बात करती हैं लव लाइफ की। व्यावसायिक तनाव का असर परिवार पर भी पड़ेगा। जीवन साथी अथवा परिवार जनों का अपनी समस्या निवारण हेतु सहयोग अवश्य ली। आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगी, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उनमें से हर एक आपके लिए परफेक्ट पार्टनर साबित हो सकता है। पहली नजर के आकर्षण को प्यार कहना काफी जल्दबाजी होगी। एक कदम पीछे हटें और यह देखने और सोचने की कोशिश करें कि अगर आप इस आदमी के साथ जिंदगी बिताएंगे तो अब स्थिति क्या है और भविष्य में इस संबंध में क्या होने की संभावना है। आपके आकर्षण और लक का करिश्मा कुछ ऐसा है जिसके कारण आज आपको जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त होगी। अपने रोमांटिक जीवन नमकीन बनाने के लिए आपको कुछ खास प्रयास करके अपने प्रियजन को खुश करना होगा। सामान की चोरी या दुर्घटना से बची, आप रोमांस में माहिर हैं, फिर चाहे वो कुछ नया सीखने की चाह हो या प्यार में रत होना, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। बस अपने दोस्तों की बातों को सुनें और उन्हें समझें। आप दोनों इस गुलाबी और प्रणयशील माहौल में एक खास रिश्ते की शुरुआत करने वाले हैं, जो आपके दिन को उल्लासपूर्ण बना देगा। बात करते हैं करियर की। लक आज आप पर मेहरबान है, जहां अतिरिक्त आय के अलावा आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। रिश्तों में मतभेद सामान्य बात की, बस मतभेद नहीं होने चाहिए। नेटवर्किंग से आप नए दोस्त बना सकते हैं। याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह महीना आपके लिए जुनून, ऊर्जा और नया जोश लेकर आया है, जिसके कारण आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। पूर्णता की आपकी भावना आपको किसी भी सिद्धांत या तकनीक में विशेषज्ञ बनाती है। सफलता आपका हर जगह पीछा करेगी, लेकिन अहंकार से बचें और अपनी दृष्टिकोण को स्पष्ट रखें। आज आपका मन अटकलों और अनावश्यक चीजों की ओर भागेगा, परंतु फिर भी आपको केंद्रित रहने की क्षमता काफी मजबूत रहेगी। आप कम से कम समय में अधिक से अधिक काम खत्म करने के क्रम में घर पर या अपने कार्यालय डेस्क पर रहें। हालांकि घर पर काम करने में अधिक समय, ऊर्जा और पैसे का हास्य होगा, अर्थात खर्च होगा। आप कुछ सामान या खास सामग्री मंगवा सकते हैं या कुछ ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। ग्रह स्थिति अनुकूल है, आपके व्यवसायिक काम स्वतः ही बनते जाएंगे। सहयोगी तथा कर्मचारियों का भी आपके कार्यों के प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा। नौकरी पेशे व्यक्ति अपनी स्थानांतरण संबंधित कोई सूचना मिल सकती है, जो कि बेहतर रहेगी। जमीन कोर्ट आय प्रभावित होगी, कार्य समय पर नहीं हो पाएंगी। संतान से विवाद हो सकता है, दोपहर से परिस्थितियों में सुधार होगा। धन की आवक बढ़ेगी, विवाद समाप्त होंगे। पुराने साथियों से मुलाकात होगी, शाम को अज्ञात भय रहेगा, विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं सेहत की। आपको आज रिएक्शन और एलर्जी हो सकती है। अगर आपको किसी विशेष खाने से एलर्जी है तो हो सकता है कि आपने अनजाने में वही खाना खा लिया हो। त्वचा में जलन की भी आशंका है, अगर संभव हो सके तो प्रदूषित स्थान पर जाने से बचें। शाम तक आपकी सेहत में सुधार होगा, खूब अच्छी नींद लें और खूब एक्सरसाइज भी करें। भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आपको अभी से प्रयास करके स्वास्थ्यकर आदतें डालनी चाहिए। आज का उपाय, आज शाम को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।